हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एलेग्रा 120 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एलेग्रा टैबलेट का मुख्यतः उपयोग एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सैनोफी इंडिया कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 172 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। एलेग्रा 120 एमजी टैबलेट में फेक्सोफेनाडीन, हाइड्रोक्लोराइड, आईपी 120 एमजी यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद फेक्सोफेनाडीन ड्रग यह एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो एलर्जी और एलर्जी के लक्षणों का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजर्स की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसे नाक से लगातार पानी बहने की समस्या दूर करने में, छींकने की समस्या दूर करने में, अस्थमा, सांस फूलने की समस्या, नाक से संबंधित एलर्जी के विकारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे गले में दर्द, पित्ती की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। बात करते इस टैबलेट के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मितली, दस्त, बेचैनी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। इस टैबलेट को 5 साल से उम्र के छोटे बच्चों को यूज न करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल कीजिए। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही इस्तेमाल करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद एल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।